क्या बोलें, जस्ट बोरिंग है, चलिए बनाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि कुछ तो मिसिंग है। अचानक से मुझे याद आया कि मेरे पास तो एक बेबी पिंक कलर का भी लंच बॉक्स है और उसे मैं यूज नहीं करती हूँ। तो आज हम अपने मेन कोर्स में रखेंगे साउथ इंडियन फूड। ये लंच बॉक्स काफी बड़ा है और इस लंच बॉक्स के दो पार्ट है। तो सबसे पहले मैं रखूंगी केसर रस मलाई काउ बॉक्स, और इसके बाद मैं रखूंगी गरम गरम इडली, और साथ में ही मैं बनाऊंगी एक फ्लैग जिसको आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी कंट्री का है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कंट्री में कुछ दिन पहले एक अर्थक्वेक आया था जिसमें काफी लोगों की जान गई है। प्लीज प्रे फॉर देम। साथ में ही रखूंगी मैं कोकोनट की चटनी और साथ में ही ये टमाटर की चटनी। चलिए अब इस लंच बॉक्स को अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें ऊपर ही दिखता है ये स्पून जो कि ऐसे असेंबल हो जाएगा और आप आराम से खा पाओगे। मैं रखूंगी सांभर क्योंकि सांभर के साथ और कुछ भी नहीं रख सकती मैं। चलिए इस लंच बॉक्स को हम पूरी तरीके से पैक कर देंगे और एक के ऊपर एक दोनों लंच बॉक्स रख देंगे। जिनको नहीं पता, अभी हमारे पास एक थर्ड लेयर भी है जिसमें हम रखेंगे चॉकलेट्स, क्योंकि चॉकलेट्स के बिना तो लंच बॉक्स अधूरा है। आज हम रखेंगे हर्शीज की चॉकलेट, काफी टेस्टी है। मार्बल्स के जरिए दिखने वाली ये चॉकलेट मुंह में जाते ही घुल जाती है।